Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup to Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. Okay student, हम बात कर रहे थे पोजिशन वेक्टर की. ओके सो किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की पोजिशन को जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो एक ओरिजिन हमको कंसीडर करना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना पड़ता है. ओके जैसे सपोज करो अभी मैं कहूँ मैं आपके कॉलेज से निकला हूँ. ओके तो मैं कहूँ मुझसे कोई कॉल करके पूछे कि अभी कहाँ हो आप, तो मैं क्या कहूंगा, 5 किलोमीटर आ गया, 10 किलोमीटर चलाया. लेकिन मैं किसके रेस्पेक्ट में बताऊंगा, कॉलेज के रेस्पेक्ट में बताऊंगा, या मैं कहूँ अभी जो हूँ मैं आपके रामपुर शहर से तो निकल आया हूँ और शहर से मैं 20 किलोमीटर आगे निकल आया हूँ. तो रेफरेंस पॉइंट क्या बता रहा हूँ, मैं शहर को बता रहा हूँ, यानी किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में बताओगे आप. ठीक है, जैसे अभी आपके घर से कोई निकला है, आप उसको कॉल करो, अरे साहब कहाँ पहुंच गए, तो आप क्या बताएगा वो आपको, साहब मैं आपके घर से अब तो इतनी दूर निकल आया, या रास्ते में जो शॉप पड़ता है उसके बराबर से मैं वहां पे खड़ा हूँ. कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट जरूर बताएगा. ओके सो जब हम किसी भी पोजीशन वेक्टर को बताते हैं तो ओरिजिन हमने कंसीडर करना पड़ता है. ठीक है, तो सपोज कर लो कोई पॉइंट पी है. ओके इसके रेस्पेक्ट में ओरिजिन हमने यहाँ पे कंसीडर किया है ओ. ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम इसकी पोजिशन को अगर इस ओरिजिन से इस पॉइंट पी को ज्वाइन करते हुए एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो दैट इज यही क्या होगा, पोजिशन वेक्टर होगा ऑफ पॉइंट पी. ओके यही इसकी पोजिशन को बताएगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन. ओके तो पोजिशन वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर होता है जो किसी भी पॉइंट की पोजिशन को बताता है. ओके इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, सपोज करो कोई पार्टिकल है इनिशियली किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर जो है वो पी पर है और कुछ टाइम बाद टी डैश टाइम पर उसकी पोजिशन क्या हो जाती है, क्यू पे पहुंच जाता है. ओके सो ये एक पोजिशन वेक्टर ये हो जाएगा, एक पोजिशन वेक्टर ये हो जाएगा. इन दोनों पोजिशन वेक्टर का डिफरेंस ही क्या होता है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, पी क्यू. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा. ओके कह रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इट इज दैट वेक्टर व्हिच टेल्स हाउ मच एंड इन व्हिच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजिशन इन द गिवन टाइम इंटरवल, यानी किस डायरेक्शन में और कितनी उसका डिस्प्लेसमेंट उसकी पोजिशन में चेंज हुआ है, ये कौन बताता है हमको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताता है. ओके नेक्स्ट टॉपिक सिंपल डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर. तो टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन. अगर दो वेक्टर हैं और वो इक्वल हैं तो कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. ओके तभी इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज दो वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते. सिंपल है, ध्यान रख लेना है कि अगर दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड होगा, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए. ओके सो इक्वल वेक्टर हो गया. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर यानी कोई भी वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, तो द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर डिफाइन एज अनदर वेक्टर having the same magnitude but having an opposite direction. यानी अगर कोई वेक्टर ए है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर बना दूं तो वो क्या वेक्टर होगा, इस वेक्टर ए वेक्टर के नेगेटिव के इक्वल होगा. सिंपल है नेगेटिव वेक्टर. ओके okay?